Shalom. How are you? I hope you all will be fine. खुदा के साथ मजबूत रिश्ता आपको इसके खिलाफ चलने नहीं देता। Welcome friends to my channel. Before going to start our video, please subscribe my channel, hit the bell icon, and don't forget to like and share my video with your friends. Thank you. यीशु ने हमेशा अपने आप को खुदा का ना सिर्फ भेजा हुआ ममसूब बल्कि खुदा का खास बेटा कहा। खुदा के साथ ये रिश्ता किसी और नबी ने ना तो बनाया और ना ही लोगों को ऐसा बताया। खुदा ने ऐद कदीम में बहुत बार बहुतों को अपना बेटा कहा है, लेकिन नए अहदनामे में यीशु के मामले में खुदा का उसे अपने बेटे के तौर पर दुनिया के साथ मुतारफ करवाना एक अलग और मुनफरद अंदाज है। उसकी पैदाइश पर ही फरिश्ते ने उसके खुदा का बेटा होने के बारे में ऐलान कर दिया था। नबी या रसूल खुदा के साथ एक रिश्ते में बंधे तो होते हैं, लेकिन वो खुदा के बेटे नहीं होते। लेकिन खुदा का बेटा नबी और रसूल दोनों हो सकता है। इसीलिए यीशु खुदा का बेटा होने के साथ साथ नबी और रसूल भी था। लिहाजा उसका खुदा के साथ रिश्ता किसी और नबी या रसूल से ज़्यादा अहम और ख़ास है। इसी वजह से यीशु का इल्म, कलाम, उसके काम और उसका अख्तियार सभी दूसरों से मुनफरिद था, क्योंकि उसका खुदा के साथ रिश्ता खास था। इसी रिश्ते पर उसने हर ईमानदार को फाइज किया। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था कि किसी नबी ने लोगों को इस तरह के रिश्ते में खुदा के साथ बांधा या उनका रुतबा इतना बुलंद किया। लेकिन यीशु ने हमें अपना भाई कहा और ऐसा रिश्ता हमें दिया जो कोई और नबी नहीं दे सका। इस रिश्ते से हम आज खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील में उसके पहले बाब ही में लिखा है, जितनों ने उसे यानी यीशु को कबूल किया उसने यानी यीशु ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अब जब यीशु खुदा का बेटा है और उसे खुदा के कलाम की मुकम्मल समझ बूझ थी, उसे मुकम्मल दस्तरस थी उस पर, इसी वजह से वो यहूदियों और फकी फरीसियों के दिमागों में शरीयत को लेकर जो ताले लगे हुए थे उनको खोल रहा था। बिल्कुल उसी तरह हमें भी आज खुदा के कलाम को मुकम्मल समझ बूझ के साथ लेना उसे अख्तियार करने की ज़रूरत है। जिस तरह ना कभी यीशु ने शरीयत को तोड़ा और ना कभी उसने शरीयत को मनसूख किया, बिल्कुल वैसे ही हमें भी ना तो शरीयत को तोड़ना चाहिए और ना ही उसे मनसूख हुआ समझना चाहिए। क्योंकि जब हम मत्ती 12वें बाब में पढ़ते हैं तो हमें फरीसियों के यीशु से पूछे गए सवालात मिलते हैं। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि यीशु की पूरी जिंदगी आजमाइशों में से गुजरी, बिल्कुल उसी बात की तस्दीक यहाँ पर भी हमें मिलती है। आयात 1-8 में फरीसी यीशु से सबत के दिन अनाज तोड़ने और उसे खाने के बारे में सवाल करते हैं। फरीसी समझबूझ में सबत खुदा का पाक दिन है, जिसमें किसी किस्म का काम करना खुदा के खिलाफ चलने के मुतरातिफ था। इसी वजह से वो सबत के दिन खेत से बालें तोड़ना और उनको खाने को काम से ताबीर करते थे और यीशु से इस बारे में सवाल करते हैं। फिर 9वीं आयत से 14वीं आयत में वो सबत वाले दिन शिफा देने को भी अमली काम में लेते थे, जिस वजह से वो यीशु से फिर इस बारे में सवाल करते हैं। असल में वो खुदा की शरीयत की ताबे फरमानी में ये बात भूल गए थे कि तमाम मखलूकात का खुदा की तस्बीह करना, उसकी तारीफ करना सबसे ज़्यादा अहम है, और साथ में दूसरों की खिदमत करना, दूसरों की भलाई करना भी खुदा की इबादत करने के मुतरादिफ ही है। क्योंकि यीशु ने मत्ती 5वें बाब उसके 24वीं आयत में कहा कि अपनी नज़र को वहीं छोड़कर पहले अपने भाई को मना। इससे मालूम होता है कि खुदा की इबादत सिर्फ मुसल्ले पर या चर्च में नहीं होती, बल्कि मुआशरे में खुदा के काम करना भी उसकी इबादत ही है। असल में खुदा की खुशी ही उसकी इबादत है। लेकिन फरीसियों की तरह
आज भी बहुत सों के दिल इतने सख्त हैं कि वो खुदा के कलाम और उसकी शरीयत को तबाह करने के दर पे हैं। लेकिन हमें भी यीशु की तरह मुकम्मल फहम के साथ खुदा के कलाम पर कायम रहना है, क्योंकि यीशु ने कहा कोई भी बादशाही अपने खिलाफ नहीं जा सकती। लिहाजा हमें भी आज खुदा में रहते हुए खुदा के खिलाफ नहीं होना, वरना हमारा रिश्ता खुदा के साथ नहीं रहेगा, टूट जाएगा। हमें अपने आसमानी बाप के साथ रब्ता कायम रखना है, उसकी फरमाबरदारी में मुसलसल चलते रहना है। हमें आज अपने लफ्जों पर, अपने मुंह के कलाम पर ध्यान देना है, क्योंकि पाक रूह के खिलाफ गुनाह माफ नहीं होता। जो कोई भी मसीह को खुदावंद के तौर पर तस्लीम नहीं करता और अपने अंदर इसके पाक रूह को नहीं लेता, तो वो अपने खालिक से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। अगर हमारा रिश्ता यीशु की तरह खुदा के साथ मजबूत है, तो हम उसकी तरह उसके कलाम के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हमें हर रोज यीशु के पीछे चलना है, ताकि हम गुनाह ना करें जिस तरह वो गुनाह नहीं करता था। आज हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि नए सिरे से पैदा होने वाले ईमानदार खुदा के बच्चे हैं। आज सोचिए, क्या आपका ताल्लुक खुदा के साथ वैसा ही मजबूत है जैसा यीशु का था? क्या आपके कौल और फेल में तजाद तो नहीं? इन सवालात और बातों पर गौर कीजिए, और मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद में आपका आज का दिन भी मुबारक और बाबरकत ठहरे। आमीन। सलामत रहें।